हेलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अक्षय कुमार, खिलाड़ी अक्षय कुमार को लेके। अक्षय कुमार ने एक नया रिकॉर्ड और बना लिया। वो रिकॉर्ड है, एक साल में उनकी मूवीज़ ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ का बिजनेस किया है। ये अभी तक किसी ने नहीं किया, मतलब किसी की फिल्मों ने नहीं किया, ना सलमान खान, ना शाहरुख खान, ना आमिर खान। ये पहली बार है कि अक्षय कुमार की मूवी ने 1000 करोड़ का कलेक्शन किया है। आमिर खान की मूवी ने भी करीब 1800 करोड़ का कलेक्शन किया है दंगल ने, बट मूवी एक साल में नहीं किया क्योंकि उनकी मूवी फिर वो नेक्स्ट ईयर चाइना में रिलीज़ हुई थी। इसलिए ये रिकॉर्ड केवल अक्षय कुमार के नाम पर है। अक्षय कुमार ऐसे पहले भारतीय एक्टर हैं जिनकी मूवीज़ ने, चार मूवी आई उनकी, पहली थी केसरी, फिर मिशन मंगल, फिर हाउसफुल एंड देन ये गुड न्यूज़। ये चारों मूवीज़ ने इंडिया में तो अच्छी कमाई की बल्कि वर्ल्ड वाइड भी बहुत ही अच्छी कमाई की। तो टोटल जो कलेक्शन है वो 1076 करोड़ का कलेक्शन है कल तक। गुड न्यूज़ अब भी कलेक्शन कर रही है, शायद 200 करोड़ भी कमाए वो अपने इंडिया में। तो देखते हैं कि क्या होता है, 200 करोड़ कमाती या नहीं कमाती। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है अक्षय कुमार के फैंस के लिए, और अक्षय कुमार के फैंस के लिए तो गुड न्यूज़ ही है। 2020 में तो चार मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं अक्षय कुमार की फिर से। होप ये मूवीज़ और भी अच्छा कलेक्शन करें, 2019 से ज़्यादा अच्छा कलेक्शन करेंगी ये मूवी, मुझे लगता है। आप बताइए आपको ये खबर कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन भी दबा देना। बाय बाय श्री राधे।